हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए हम लोग झारखंड जीके का क्वेश्चन करने वाले MCQ 40 क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो देखिए लगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा अंत में आप कितना स्कोर कर पा रहे, ठीक है? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चलिए बताइए, हाउ मेनी स्टेट्स टच द बाउंड्री ऑफ झारखंड। चलिए तो बात तो आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है? पाँच, ठीक है ना? पांच कौन कौन है पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बाउंड्री बिहार के साथ टच करता है। कितना डिस्ट्रिक्ट है? 10 डिस्ट्रिक्ट है बिहार से, ठीक है? वेस्ट बंगाल से भी कितना है? 10 है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से 4, छत्तीसगढ़ से 4, और एक है यूपी से, पता है कि नहीं? याद रखिएगा, पूछ सकता है मैक्सिमम बिहार के साथ है। चलिए, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो दोस्तों याद रखने का, पहले देखिए कब लगा था, 2009 पहला, फिर 2010, फिर 2013, याद रखिए, ठीक है? ये 19 जनवरी को लगा था, सबसे लंबा पहला ही लगा था, ठीक है? दूसरी बात आपको बताना कमेंट करके कि जब पहली बार लगा तो उसमें गवर्नर कौन था, राज्यपाल कौन था, बताइए। 2009 के टाइम में कौन था? सैयद सिप्ते रजी। सेकंड टाइम में MOH फारूक, और थर्ड जब लगा था तो सैयद अहमद। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता, पूछा हुआ है। हाउ मेनी पार्लियामेंट सीट आर झारखंड, झारखंड में कितने सांसद सीट है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? जल्दीबाजी में मत 14 6 मत मार दीजिएगा, गलती हो कर सकते हैं आप, ठीक है? कि जल्दीबाजी देखिए, अच्छा झारखंड में 14 मार के निकल जाओ, नहीं भाई, पार्लियामेंट पूछा हुआ है तो 14 + 6 = 20 टोटल होता है, याद रखिएगा, ठीक है? और अभी 6 कौन कौन है भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? 6 कौन कौन है राज्यसभा में सांसद बताना चाहिए आपको। 3 जेएमएम से है और 3 BJP से, एक बार देख लीजिएगा, ठीक, कौन कौन है, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। और 14 तो आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन कहाँ से जीता है, सो ये तो बात कई बार हम करवा चुके हैं। बेतला नेशनल पार्क नोटिफाइड इन, बेतला नेशनल पार्क को अधिसूचित किया गया था कब? 1986 में, ठीक है? या देखिए, दो जगह डेट दे दिया 1986, अब क्या मारिएगा इसको, बताइए डेट वाला बताइए। तो 1986, तो 10 सितंबर 1986, ठीक है? मैथन डैम जनरेट 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मैथन डैम कितना किलोवाट विद्युत शक्ति का उत्पादन करती है, मैथन डैम के बारे में बताइए कितना दोस्तों? 60,000, ठीक है? याद है कितना? 60,000, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बताइए, कंब कट पेंटिंग किस जाति से रिलेटेड है? बताइए, कंब कट पेंटिंग जो है दोस्तों, ये आपके संथाल से रिलेटेड, ठीक है? 4 बहुत अच्छा से पढ़ लेना आपको, और एग्जाम में आपको 32 ही मारना, ठीक है? 33 मत मारिएगा, आ जाएगा टोटल ट्रैप्स, क्योंकि बहुत सारे बुक में 33 लिखा हुआ है, लेकिन इस बार हुआ था JPSC एग्जाम, उसमें 32 ही सही माना गया, इसलिए आपको भी 32 ही मानना है, क्योंकि 2 महीने पहले एक तो बात है भाई, तुरंत 3 महीना तो होगा, 33 तो हो जाएगा, नहीं? और टॉप का 4 संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये 4 अच्छा से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन यहीं में से फंसेगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक ग्रुप मेंबर, इनमें से कौन इंडो आर्यन भाषा समूह का सदस्य नहीं है? तो ये सब चीज़ आप तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा। देखो, नागपुरी, खोटा, अंगिका तो है, कोरवा नहीं है, ठीक है? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए बताइए, देखिए, हाउ मेनी प्रिमिटिव ट्राइब्स, अब जल्दीबाजी में क्या था, हाउ मेनी ट्राइब्स इन झारखंड, तुरंत 32 मार दीजिए, नहीं भाई, ध्यान देना आपको, ये सब गलतियाँ आपको आएगी। प्रिमिटिव ट्राइब्स बोला, ध्यान रखना है आपको, आदिम जनजाति बोला गया है, ठीक है? जन होता है एग्जाम प्रेशर में कि भाई झारखंड में कितनी जनजाति, बस 32 मार्क निकल जाओ, और घर जाते रहे यार क्या पूछा, गलती होगी, नहीं आपको आदिम पूछा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? 28 होगा। सिकनी कोल प्रोजेक्ट कहाँ पर, चलिए तो लातेहार में, सबको पता है इस बात को लेके। ये बताइए, विच फॉल इज सपोज टू हैव डायमंड माइंस इन 17th century में, विच फॉल इज सपोज टू हैव डायमंड माइन 16th-17th century में? हुंडरू, दसम, सदनी, लोधा, विच फॉल इज सपोज टू हैव डायमंड माइन 16th-17th century, सदनी, ठीक है? सदनी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लावा पानी, लावा पानी बताइए कहाँ पे, वाटरफॉल, लावा पानी नाम सुनते ही आपको, लावा पानी का बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी लावा पानी जलप्रपात से निकलती है, कौन सा नदी बताइए? लावा पानी, देखिए लावा पानी और लावा लॉन्ग में कन्फ्यूज मत होइएगा, लावा लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि चतरा में, लावा पानी वाटरफॉल बोलाती है आपके, कौन सा जलप्रपात होगा बताइए? नॉर्थ कोयल तो होगा नहीं, शंख, दामोदर, दामोदर भी नहीं होगा, ठीक है? शंख और दक्षिण कोयल में, निम्नलिखित में से कौन सा नदी लावा पानी जलप्रपात, लावा पानी से दक्षिण कोयल, ठीक है? साउथ कोयल, याद रखना है।
31 के बी, लावा पानी जलप्रपात किस जिले में? चलिए लावा पानी आ गया, कौन सा जिले में लावा पानी? तो लोहरदगा में है लावा पानी, लोहरदगा लातेहार, बताइए लावा पानी जलप्रपात बताइए कहाँ पे? लोहरदगा लातेहार बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इस्टेब्लिश 1955 में? तो ये हजारीबाग वाला होगा, ठीक है। खैरवार ट्राइबल मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन? खैरवार जनजाति आंदोलन को डेस में आरंभ किया गया था, कब आरंभ किया गया था? 1876 में। चलिए दामोदर घाटी में कितने डैम बनाए गए हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, रटा जाना चाहिए, ठीक है। वेन वाज दामिनी एक को अनाउंस? दामिनी एक को की घोषणा कब हुआ था, कब हुआ था? दामिनी एक को 1824, चलिए 1824, ठीक है। अच्छा 1833-34 में क्या था देखते, किसी को याद है 1833-34 बताइए तो क्या था, ठीक है। समझ आ रहा है क्या है? SWFA समझ जाइएगा, ठीक है। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज किस जिले में है भैया? तो ये आपके कौन से जिले में? धनबाद जिले में है, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ था? झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये सब हम करवा रखे अलग से, ठीक है। दे दिए आपको PDF में दिए थे ना, ये सब चीज़ गलती मत कीजिएगा, बता रहे जितना दिए हैं आपको, JPSC हो गया, झारखंड स्पेस वाला हो गया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो गया, झारक्राफ्ट हो गया, और क्या कहता बताए, और क्या कहता, बहुत सारा चीज़ था आपको जो करवाए थे, JBNL हो गया, और जो जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो सब आपको करवा रखे हैं सब। नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल वाज इस्टेब्लिश ऑन, चलिए तो कब हुआ था? 1954 में, ठीक है। किस जिले को हॉकी का पलना बोला जाता है? ये सब क्वेश्चन देखते ही आप लोग मारना है, लेट नहीं करना है सब, ये सब क्वेश्चन जितने जल्दी मारिएगा उतना आपको मैथ रीजनिंग में टाइम मिलेगा, ठीक है। इंद्राणी राय किस खेल से संबंधित है? अब जो इंद्राणी राय नहीं समझ में आता, छोड़ करके बढ़ जाइए, ठीक है। तो इंद्राणी राय जो दोस्तों, क्या नाम है इसका, वो क्रिकेट से है ना। चलिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम देश में लागू किया गया था? बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था बताइए, कब किया था? 1950 में, तो 1950 हो जाएगा। वेन वाज गुरुजी किचन स्कीम वाज अनाउंस्ड? 2021 में तो था लेकिन फंस गए हैं कि डेट दे दी अलग अलग, बताइए लोग याद करके गए गुरुजी किचन स्कीम 2021 मार के आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन मामला यहाँ फंस गया, ठीक है। किचन 3 मार्च 2021, 3 मार्च 2021, ठीक है। घर नल हर घर जल योजना किस जिले से आरंभ की गई थी? तो आरंभ हुआ था दोस्तों हर घर नल हर घर जल, ठीक है, हर घर नल हर घर जल, ये रामगढ़ जिले से स्टार्ट किया गया था। इन विच ईयर झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JSDMA फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, वाज इस्टेब्लिश्ड? 2010। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संस्था है? टंडा। बैगा गांव के ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? बैगा गांव के ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? विलेज हेड मैन ऑफ द बैगा विलेज इज कॉल्ड। मुकदमा बैगा गांव के ग्राम प्रधान, विलेज हेड मैन ऑफ द बैगा विलेज इज कॉल्ड प्रधान सरदार मुकदमा महतो, तो मुकदमा होगा इसके आंसर, ठीक है। बिरसा सेवा दल इंपॉर्टेंट है, डेट आपको पता होना चाहिए। बिरसा सेवा दल 1965, ठीक है। हुई द रिलीजियस हेड ऑफ द बिहार सोसाइटी, सॉरी बिहार नहीं बिरहोर हो गया, देखिए बिरहोर होगा। बिरहोर समाज का धार्मिक प्रधान कौन होता है? कौन होता बताइए? चलिए तो नया संथालों में बदोमूल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गौन पौन। शेख भिखारी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1858 में। पूरा डेट कमेंट कीजिएगा, तो किसको किसको याद है, ठीक है, पूरा डेट कमेंट कीजिएगा, अप्रैल महीना में था, बताइए किसको किसको याद है। 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का कौन सा रैंक था दोस्तों?
बताइए, पांचवा था? पांच था। अच्छा इस बार कितना रैंक है? सॉरी ये पांच था ही होगा। चलिए ये 34, 37 कहाँ हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, ये गोवा में हुआ, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और गोवा में था, और 38 कहाँ होने वाला है? उत्तराखंड में। और 39 होने वाला है मेघालय में, ठीक है। तो दोस्तों जो गोवा हुआ था उसका झारखंड का रैंक कितना था बताइए, 25 मेडल के साथ, 25 मेडल के साथ कितना रैंक था? 20वां था। और पहला रैंक में कौन था? महाराष्ट्र। तो ये 37 वाला याद रखना है आपको। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? तो चलिए जमशेदपुर में। ये गुरमीत सिंह का देहांत फरवरी 2022 में हुआ, उनका संबंध किससे था? गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह पास्ट हुए तो कौन सा बताइए, नागपुरी से था, संथाली से, खोटान हिंदी, तो गुरमीत सिंह नागपुरी, गुरमीत सिंह नागपुरी, ठीक है। साइंस फिल्म फेस्टिवल 2022 कहाँ पे हुआ था? साइंस फिल्म फेस्टिवल जो 2022 में हुआ था दोस्तों, ये लोहरदगा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लोहरदगा में हुआ था। सोलर ट्री प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय, सोलर ट्री परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? सोलर ट्री तो ऑब्वियस बात है जरेडा से द्वारा होगा, ठीक है। श्रेष्ठ विधायक 2020 का सम्मान किसको मिला था? हालांकि 2020 लाख को क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। चल 2020 का तो नलिन सोरेन है, पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि इनका भी विधानसभा में चुनाव में थे, ठीक है। और देखिए आपको क्या पूछेगा, 2023 पूछ सकता है, 2022 पूछ सकता है, 2021 पूछ सकता है, और 2020 तो पता है नलिन सोरेन, ठीक है, ठीक है। 2021 किसको मिला? रामचंद्र सिंह, ठीक है। और 2022 में चंद्रवंशी को मिला, और इसमें 22 में विनोद सिंह को मिला, और इसमें 2023 रामचंद्र सिंह जो मनिका कहते हैं लतियार, और ये जो रामचंद्र सिंह है, क्या नाम है इसका, नाम भूल रहे हैं, ये पश्चिम सिंहू या पूर्वी सिंहू से है, ठीक है। 23 याद रखना रामचंद्र सिंह मनिका लतियार, और 22 विनोद सिंह, ठीक है। हाल में नागवंशी राजाओं के महल कहाँ मिले हैं? कहाँ मिलेगा भैया नागवंशी राजा का महल? गुमला में। चलिए ठीक है, गुमला में मिला है। वेयर इज वीर बिरसा आर्चरी अकेडमी सिचुएटेड? वीर बिरसा आर्चरी अकेडमी कहाँ? खूंटी में। चलिए अंकुल रॉय और झारखंड वाई द पार्ट ऑफ विच टीम इन IPL 2022? लीजिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फंस जाइएगा ना फिर ने। अंकुल रॉय को झारखंड, जो झारखंड के रहने वाले खिलाड़ी हैं, जो को IPL 2022 में जो खेला है, कौन सा टीम से था ये? तो कोलकाता नाइट राइडर्स से था, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ। और दोस्तों जो 79 वाला PDF अभी तक नहीं पढ़े जरूर पढ़ लीजिएगा, ऐप में अवेलेबल है, ठीक है, JSSC वाला ऐप है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, उसमें पूरा GK और साइंस पूरा कंप्लीट उसमें PDF है, हैंड रिटन नोट्स है उसमें।